हरियाणा मीडिया एडिटोरियल देखना है सारे दर्शकों सुमित लाल की ओर तरह राम राम। फिलहाल आप देख लें क्यूट है चेहरा, मतलब छोरियाँ क्यूट होया करें, भाई का भी क्यूट है जो देखा जाए। दीपक मलिक भाई साहब, सबसे पहले अपना राम राम और स्वागत आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। राम राम भाई लड़ले भाई, जो इतनी दूर तक तू भैया का हाल चाल पूछना आया, और आपके जो भी हरियाणा मीडिया के दर्शक हैं आपके चैनल के सभी को भाई मेरी ओर तर राम राम भाई सारे ने। अरे भाई क्यूट सा दुकड़े जमींदार हैं वाला का, वही खेतों में काम कर कृषि बोलिए भाई साहब। आपकी कोई भी दो सारी एक तो नू लागे मेरी पहचान बनी रही की जोन सी पूरी वायरल है भाई। पहचान तो उस तक बनी थी, वह जो आई थी कि भाई भाई कह करे जाइए काम, जे एक दिन काम तो नाट गया तो तू माड़ा हो जाएगा, रपिया पीसा कदे मांग के ना खाइए मेरे भाई, तू इस आदत का लाड़ा हो जाएगा। अरे एक मानस ऊँ नहीं मरदा लड़ ले, उसने घने गरीबी वाले हालात मारे हैं। अरे यू मेरा खास है, यू मेरा खास है, मन का बहम है मित्र, यड़ा सब अपना काम काट के लात मारे हैं। अरे की भाई साहब पूरी वायरल है जो कह रहे एक के आस्ती दिल में फौज में लागण की, इब तो वाह भी टूट गई। अरे बाबा बोले हम कदे नहीं आ रहे दौड़ मार मार के, फिर इब तो इस सरकार ने हालत बदहाल सी कर दी। अरे इब के तैयारी करा उस खातर जिस खातर 5 साल बस दिन हो लिए, इब तो वह भर्ती है 4 साल की कर दी। तो आप भी तैयारी करा कर दी भाई? मैंने कदे तैयारी को नहीं करी, लेकिन जो मेरे सर्कल में बहुत से दोस्त हैं, मतलब 60-70% जो कॉलेज में भी मेरे गलत है गांव के भी हैं, मतलब उनमें तो 60-70% बालक लाग भी ली भाई को एयरफोर्स में को नेवी में। तो भाई मतलब मेरे यार दोस्त तैयारी कर रहे आर्मी के, अरे बहुत से उनमें लाग भी रहे यार, बहुत से मतलब स्ट्रगल भी करे मैं दौड़ दौड़ मारा भी। भाई साहब हरियाणा तो पूरी वायरल हो गई, हरियाणा तो बाहर के जो आपके फैन हैं आपका गांव गांड के बारे में जानना चाह रहे हैं भाई। हरियाणा तो बाहर जाना है भाई, बतेरे जाना है। तो भाई अपना गांव है सिंधवी खेड़ा गोहाना रोड पर है, तहसील जींद है, डिस्ट्रिक्ट भी जींद है। बात कहा जाने की भाई साहब कुकर है, मतलब इतना क्यूट चेहरा लेके शायरी में आप? शायरी में भाई कुछ नहीं, हमारा काम है के मेरे वर्ग है भाई आयुष, उसने भी कुछ काम नहीं भी, मैंने भी कुछ काम नहीं, बेरोजगार हाँ अपना। वो मैंने देख लिया था भाई एक बार, उसकी वीडियो देखी थी मैंने फोन में, मारा यूके सिस्टम जमा लिया था ना करें बोर्ड वार्ड ला लिया गया क्यों ऐप ऊप है। तो भाई फिर इसने भाई ना आयुष ने बताई भाई बिला नूर नू मेडो शो में जा करूँ, तो फिर मैं भाई शो में पहुँच गया भाई अपना शायरी करने, तो लोगों ने पसंद आई भाई बहुत बढ़िया लग गया। तो कितने दिन हो गए शायरी कर देना अपना? शायरी कर देना भाई 31 जनवरी तक लग गए थे भाई 2021 में, मतलब 1.5 साल हो गया। तो थोड़ी कामयाबी हासिल कर ली? ना भाई थोड़ी तो कड़े थोड़ी तो आजकल मतलब भाई 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में भाई इतनी कड़े कामयाबी मिली है जितनी मिलनी चाहिए थी। वैसे इतनी फैन फॉलोइंग हो रही और के जो माए न यार फैन फॉलोइंग तो भाई के है मानस दूरा कुछ आमदनी का भी सोर्स होना चाहिए, मतलब सही है भाई भाई लोग जाने हैं बाहर जावा भाई राम रमी हुआ है इज्जत मिला है भाई, दो आदमी फालतू जाना है बहुत बढ़िया लागे भाई। लेकिन आपा अपनी जो मतलब अपनी जो संतुष्टि है ना, मतलब मनसन देख कर बाहर जावा ना जो मतलब नू पहचान है नो भाई दीपक मलिक आओ बैठो, तो उस तरह भाई साहब नू उसका कर रपिया ने मतलब आप इतनी तवज्जो नहीं दे सकते। लेकिन एक दिल मनु निरा घर के नु गाल दे जा है कर लेगी मैं नु आड़ा सारा दिन पड़िया रहे है फलाने के चलिया जावे है कुआ उस दौर बाज जाए कुआ उस दौर बाज जाए बैठे रहो है सारा दिन, तो उड़े जाके थोड़ा नु लागे जानू यार थोड़े बहुत रुपये भी और तो मतलब घर के गाला तो बचा रहे। तो देख लो इतना बड़ा स्टार ने गाले मिले घर भाई, फिर घर के तो घर के वही लठ भी मार देंगे चाहे कोई कितना बड़ा स्टार हो है। लोगों के मन में कि दीपक कितनी फैन फॉलोइंग है कि लाखों में इनकम होगी भी भाई साहब? तेरे भी है गलत फहमी थी जब तड़ गया आदमी, मैं बोला मैं भाई नौकरी नागरी देख लिया तू भी नो लिया भाई, बोला कि नौकरी दीपक में लेकिन नौकरी करेगा तो भाई लोगों का भी है भाई, मैं किसी तेन कह दिया ना भाई यार को जॉब तो हाँ भाई जॉब जब देखा अपने को बढ़िया जॉब मिल जाता बोला यार क्यों मजाक कर रहे हैं। तो भाई इस टाइप में मतलब एक मतलब नेगेटिव देखा तो यो भी घना असर है भाई, वायरल हो पाचा थोड़ा नाम हो पाचा रहने सहन का वो रखना पड़े है, मतलब है थोड़ा स्टैंडर्ड रखना पड़े लत्ते जूते का फोन बढ़िया रखना पड़े है, मतलब सारा सुधा वह बढ़िया होना चाहिए लोगों, अगर थोड़ा भी आप उसा रखा है ना तो लोग मेरे यार इतना वो हो रहा इतना रुपया कमाओ, फिर बिनो रहा अलग रुपया इतना को ना ठीक है भाई 10-15 हज़ार रुपया आ जाए इंस्टाग्राम तो अपना खर्चा पानी जो गेर और भी मतलब चले जाओ इसी मतलब ठीक है सौगा जोड़ी यार, मतलब खर्चा घना हो गया इनकम थोड़ी होगी खर्चा तो नू है मेरे भाई देख या लाइन कलाकारी की लाइन इसी हो है मेरे भाई देख, मैं तो आपके चलने पे हूँ कोई भी बंदा कलाकार ने चाहे वो कितना ही गरीब हो भाई एक टाइम में मतलब, लेकिन उसने भाई साहब सुथरा
पढ़ना पड़ा और सुथरा रखना पड़ा भाई, उसकी मजबूरी हो जाए भाई। क्यों इनको बाढ़ गया भाई, लले को जमाए गरीब घर का बाढ़ गया। चलो वाह, हम तो थोड़ी मिडिल क्लास फैमिली था, हम ना गरीब ना अमीर, मिडिल क्लास पे होता भाई, ठीक है अपना कुछ लेना देना मैनेज कर लिया भाई। लेकिन कोई सा भी बाढ़ हो भाई, भाई जो जमाए लोअर क्लास था है भाई, उसका भाई ब्योत नहीं है, लेकिन उसने फिर भी मेरे भाई वो करना पड़ा दिखावा दुनिया खातर, नहीं दुनिया नु कहना लाग जाए इतना नाम कमा रहे इतने रुपये कमावा लगे उन्होंने कौन बेरा भाई इस चीज़ तक उछाने जाने को नहीं। हाँ यूट्यूब तो इनकम है, लेकिन इंस्टा का कोई इनकम नहीं है। क्यों भाई स्टोरी स्टारी के आ गया, प्रमोशन के आ गए, लोगों ने कहा कि दीपक मलिक छोरियाँ दिलों पर राज करे, बस सच्चाई की झूठ है छोरियाँ दिला भाई। सच्ची बताऊँ मैं भाई ना तो किसी छोरी के लिए बात कर रहा था है महाराज, ये देख ले बैठे ये दो तीन जने, आयुष भाई, कलरू भाई, दीपक भाई है, ये मतलब पूरे और हैं मेरे कहने, ये मैंने शान लाग रहे मैंने बातें में। लेकिन भाई सच्चाई आए बात है मेरे भाई, मैंने ना तो किसी छोरी के लिए मैं बात करा करता भाई, हाँ अलग रिक्वेस्ट बहुत आई रहे भाई, लेकिन मैंने अच्छा को लग गया करता भाई, ठीक है ना मार भाई रही राजकरण की बात भाई। लेकिन आप एक लले कोई फैन लगा ले या फिर अपना वो लगा ले भाई, लोगों ने मेरी शायरी अच्छी लगे, उस वे में अगर किसी का ज़रूरी मैसेज आ रहा हो भाई, किसी ने बात करनी हो कुछ पूछना हो तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँ भाई, चाहे कोई छोरा हो चाहे छोरी हो। लेकिन अगर लले को नॉर्मली आएगा मैसेज कर दिया है लोग इन तो आवाज़ आ रहा है रिक्वेस्ट पड़ी रहा है करे कौन जानते। लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई किसी ने काम हो चाहे वो छोरा हो चाहे वह छोरी हो, अगर किसी ने कोई ज़रूरी काम हो कुछ पूछना है, शो के बारे में पूछना है, वीकी एंटरटेनमेंट के बारे में या कोई और चीज़ पर राय लेनी है भाई, शायरी मतलब भाई कैसे लिख दिया मतलब मैं भी इसी डाल की लिखूँ जी, कुछ इम्प्रूव करा कर सका जितना हमारा बन पड़ा भाई उतनी हेल्प करने की कोशिश करा। तो मुझे थोड़ी सारे फोटो ने भेजे दीपक दे मना स्केट ली तेरे खातर मर जाऊंगे जब मेरे गल सेटिंग कर ले भाई साहब, इतने तो सुथरे हैं एक लड़ ले हैं इतने सुथरे कड़ा हमरे भाई को छोरी नुको कि नस काट लेंगे भाई, इन छोरी चिंडिया तो दूर है भाई, सिंगल हैं भाई, जमा अपना बढ़िया लाइफ है, मज़ा आ रहा है मेरे भाई। लोग गलत सोच रहे हैं अभी मेरे की बात है, एक मानसिकता हो जाए भाई इसमें, तू भी आ लिया मैं भी आ लिया, ये बापा हाँ इब कोई भी वायरल पर्सन है आज का टाइम पर ले कुछ टाइम पर, अब हमारा टाइम था भाई पीक पर थे हम, आज का टाइम पर कोई और बंदा है, आने वाला टाइम पर कोई और होगा, लेकिन उसका जो पीक का टाइम हार ने एक लोग ने सोचा रहा जनू इसका तो रखिए भाई तो कुरे कितने रुपये कमाओ है इसको तो, और तो कोई हजारा छोरी है मैसेज आने होंगे। लेकिन भाई मानस जो मतलब इस टाइम पर पीक पर उसका अपना लगभग मैं ज़्यादा तो कंधा नहीं 90% ध्यान अपना करियर का नहीं होगा, मतलब जो लिख है बोल रहा है उसका ज़्यादा ध्यान रहे, लेकिन लोग का अनुरा है मतलब इसकी तो इतनी सेटिंग होगी भाई, इतनी छोरी है मैसेज आ रहे होंगे फलाना दकड़ा, लेकिन ऐसा कुछ कौन होता भाई, मानस जिसा है ना उस आए रहे है, लेकिन उसका जो समाज हुआ है ना उनकी नज़र में फ़र्क आ जाए, उनका नज़रिया में फ़र्क आ जाए देखने का। तो आप मान लो कि आपका टाइम जा लिया है ना भाई, टाइम कत्ती नहीं गया, टाइम ने पकड़ के ले देंगे, लेकिन हाँ इब मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ भाई, इब मैं मतलब विक्की भाई का दौरा विक्की एंटरटेनमेंट शो में भी बजाना बंद कर रखे मैंने, मतलब तीन चार महीने खातर विक्की भाई तक फ़ोन करके मैंने बात कर ली थी, कह दिया था मैं विक्की भाई मैं थोड़ा मतलब फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मैं अपना कुछ काम लाग रहा हूँ तो मैं लगभग तीन चार महीने आ नहीं पाऊँगा, तो भाई इन्हों ना सोचिए कि भाई ने मतलब आना बंद कर दिया अचानक तो ये बात होगी, इसी कोई बात नहीं भाई, जावांगे दोबारा जावें विक्की एंटरटेनमेंट शो पे ना दूसरा शो पर जा रहे भाई कितने, लेकिन भाई टाइम गया नहीं है इस टाइम पर भाई, थोड़ा मतलब बिजी शेड्यूल के कारण मैं घर वीडियो पोस्ट कर दिया रूबा अपनी जो भी मतलब बन रहे शायरी रोज़ बना लूँ मैं एक दो जितने मैं कर जुरे एक दिन छोड़े एक दिन या रोज़ भी एक वीडियो मैं करते पोस्ट कर दिया रूँ भाई। तो आप गाने में भी आने लग गए, देखा जो कोई शायरी वाले गाने में उनका जो भविष्य है वो अंधकार में भी गया, आपने लगता कि मैं गाने में आ गया और लोग सपोर्ट नहीं करें, बेजती हो उनका, दीपक मलिक 1.5 लाख फॉलोअर ले रहे हैं इंस्टाग्राम उस पर, यूट्यूब पर देखा तो 10,000 गाना देख रखे हैं बेरे की बात है मेरे भाई, ये गाना है ये पापा ने किसी के लाख का गाना करे हैं, ईब अगर आप उस गाने की जो रिक्वायरमेंट है अगर वो पूरी नहीं कराएं तो वो गाना चलने की घनी कम संभावना हो, इब नो जरूरी थोड़े ना यार, इब अजय देवगन की फिल्म आई थी कौन सी आई थी फिल्म का नाम याद को नहीं, जरूरी थोड़े ना उसमें अजय देवगन है तो वह चल लगी वाइट होगी फ्लॉप होगी भाई, अक्षय कुमार की आई थी वही फ्लॉप होगी भाई, अक्षय कुमार ने करोड़ों आदमी जाने तो यह कोई मायने नहीं रखती भाई बात की, आपने इतने लाख इतने करोड़ आदमी जाने आपका कंटेंट किस चीज़ पर है आप लोगों की दिखाने की लाग रहे उस चीज़ पर है, आज के टाइम पर मतलब जनता इतनी पागल कौन भाई, मतलब यू दीपक में लगे तो भाई इसकी शायरी आएगी तो लाइक के करेंगे शेयर करेंगे ना, इतनी पागल भाई अक्षय कुमार है इसकी फिल्म आएगी भाई देखने जावाएं,
आज के टाइम पर वो बात कौन है रही भाई। आज के टाइम पर इतने बेरा हुआ भाई, साउथ वाली फिल्म चल रही है, लेकिन 10 साल पहले ऐसा काम था, मतलब आप अभी टी वी में देखे दिन उगार दे, वो बैठे देख साउथ वाले नू उड़ा दे है ना था ना। लेकिन एक कंटेंट दे भाई, बाहुबली आई भाई, ट्रिपल आर आई भाई, पुष्पा आई भाई, लोगों ने मतलब उनका जो स्टोरी है वो जो जिस चीज़ ने प्रेजेंट करे हैं, मतलब अपने अपने की लव स्टोरी दे दी भाई, कॉमेडी दे दी, बस इन तो ऊपर उठ दे को नहीं। लेकिन जो साउथ वाले हैं बढ़िया दे, सोगा जोड़ यू है मेरे भाई, चाहे दीपक मलिक और चाहे कोई स्टार, मतलब कुछ भी हो मेरे भाई, कुछ भी हो, मतलब लोग उस चीज़ ने पसंद करें जो ना अच्छी लगेगी, थोड़ी यूनिक होगी, बढ़िया होगी, तो इस चीज़ का आप रहेगा मेरे भाई। अगर जो गाना फ्लॉप होगा तो बोला दीपक मलिक नहीं फ्लॉप होगा अपन लगता नहीं ना ना मेरे भाई, फिर वही बात ले आया, तू तो पुंजड़ पकड़ गए देख मेरी बात सुन। इब जुगर मैं इतने क्यों उदाहरण दिया यार भाई, फिल्म माड़ी बात फिर आवा है, मतलब जरूरी थोड़ी ना यार किसी हीरो ने जो फिल्म कर ली बहुत फ्लॉप होगी तो अगली उसकी फिल्म कौन चल रहा है, लेकिन वह उसकी फिल्म की स्टोरी पर उस पर निर्भर करे भाई, मान दो भाई कलाकार ना इतने बड़े वाम भाई लले ममरिंदर और मांड दे हैं इन वाले का जा रहा है उसका भी टायर फट जाएगा ओए हेलो माइनो वाले का जा रहा है उसका भी टायर फट जाएगा तो मतलब कितने की शायरी कर लिया आपने भी लगे ना भाई, शायरी देख भाई नू है शायरी बहुत सारी कर ली, लेकिन मैंने जड़ती लागे लगभग 400 एक शायरी आ ली भाई, लेकिन मन है ना भाई मैंने कदे नू नीचा मेरे भाई ना, मैंने कदे सोचिया बात भाई मैं इस वजह से रील बनाऊँ या लोग देखें कि भाई मैं वायरल हूँ मैंने लोग जाने, अब मैंने अपने नॉर्मल वे में अपने नॉर्मल लाइफ तय मतलब भाई साहब जमानू ला ले बस हूँ, चलो भाई आयुष जावे है आयुष वेल चले जावा और अपना भाई जो आवे है अपना वो बोल दें, लेकिन भाई लोगों ने पसंद आई भाई, फिर मेरा भी भाई मनोबल बढ़िया भाई, मैंने और बढ़िया लिखना चलता कराया तो भाई लोगों ने सपोर्ट कराया प्यार कराया और भाई वो जो भी है तेरा आगे लग ले। तो आपने केला का जो शायरी है एस करती ने उठावे हैं बचावे हैं नीचे गिरावे किए काम करें देख मेरे भाई मेरी बात सुन, अरे एक चीज़ के दो पहलू हुए हैं चाहे कोई भी हो ये उसका नेगेटिव और पॉजिटिव, ये शायर अपने इसे इसे भी हैं मेरे भाई जो मतलब टॉप की शायरी कर रहे हैं, मतलब जो मानो एक नंबर की जमा भाई सामाजिक मतलब सारा डाल की मैं हूँ भाई मेरी है मतलब भाई शायरी तू चाहे घर बैठ कर सुन ले बच्चा माँ बेबे मतलब परिवार के लग उकरे सुन ले, लेकिन एक आधी चीज़ इसी है मेरे भाई इसे भी हैं बहुत जगह मतलब आप सुना है ने सुना लोग मतलब उसने इचके सुन दिया उस चीज ना मतलब अगर क्या कर नहीं सुन सकते, लेकिन भाई शायरी एक तरीके देखे जावा तो भाई वो अपना बढ़ावा भी देवे हैं, अगर कोई गलत आज के टाइम पता ने देखा होगा जो गाड़ गुड़ की रील्स हैं जो भूडे बोला उनकी ज़्यादा चल रहे हैं, तो भाई अगर बढ़िया शायरी करा लोग उसका ध्यान दे हुए भाई उस पर जिसने भाई सा पकड़ करनी हो कर भी है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा मेरे भाई जो गलत है कंटेंट है ना वो ज़्यादा चला भाई इंस्टा हुई यूट्यूब हुई मतलब बढ़िया भी चल रहा है भाई बढ़िया हम तो सो या मत के बरा पाँचे चल रहा है 100 के 100 बढ़िया तो 5 चल रहा है, अगर भूडे भाई साहब 100 है तो 100 मत 90 पक्के चलेंगे। आपने लगता कि मन भी करना चाहिए थोड़ा मोटा बन रहा सिस्टम ना मेरे भाई, मन जमा नहीं लगता भाई मेरे देख तरह के झूठ है मेरे भाई, मेरे 1,41,000 फॉलोअर हैं भाई हैं 1,41,000 तक अटका 1,37,000 हो गए थे, उल्टे फिर 1,37,000 थे 1,42,000 हो गए, ये फिर उल्टे 1,41,000 हो गए, लेकिन मैंने भाई साहब कदे भी गलत चीज़ का सहारा नहीं लिया ना मैं भाई ज़िंदगी में लूँ, हाँ अपना जितना भाई थोड़ा कर लेंगे 20,000 के लाइक की जगह भाई 5,000 आ जाए अपन उसमें संतुष्टि है, लेकिन बापा गलत बोलोगे किसी ने ना तो नू जितना नाम कमा रखा है जितना कुछ भी मतलब अपना है उसने ख़राब नहीं कराए अपन थोड़ा कर लेंगे लेकिन अच्छा कर लेंगे। 1,30,000 भाई सारे रियल हैं उनमें फेक इतने हैं भाई साहब, अपन आज तक एक भी लाइक सब्सक्राइबर मतलब फॉलोअर या जो भी हो आ रहे हैं मैंने आज तक एक भी फेक नहीं करवाया भाई, मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था भाई दिन के 3-4 हज़ार फॉलोअर बढ़िया दे, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आ गया था मेरे भाई दिन के 300-400 घटिया भी कर दे, एक दिन मैंने देखा भाई मैं रहता ना अपनी इनसाइट्स चेक करके इंस्टा पर सो गया भाई और मैंने अगले दिन 12:00 देखा भाई मैंने 831 फॉलोअर माइनस पाए भाई, तो मैंने कदे नू नहीं चाह भाई मेरे जो माइनस में जावे हैं तो लोग कह कहोगे भाई आ चीज़ माइनस में चल रही है ये मैं इतना चढ़ रहा था ये बैक मार रहा है, तो इस चीज़ का मेरे खातर कोई भी मतलब मायने नहीं रखती भाई लोग कह कहो हैं क्यों कहो हैं, अगर आप कुछ बढ़िया देवांगे तो भाई फिर बढ़ जाऊँगे तो भाई वाह पाता भाई या तो डल दी फिर दी छा है आज आड़े है कल उड़े है।
विक्की एंटरटेनमेंट पर गया, अब आपने लगता नहीं, मतलब कई शायर देखे बुराई करें इसकी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहूँगा, सच्ची बुराई करें भाई। दीपक गुलियान ला लियो, अच्छा अच्छा, कमल सार गोची छोड़ गया विक्की एंटरटेनमेंट की भाई। देखो कुछ मानस की पर्सनल प्रॉब्लम हो जाए, कुछ मानस के पर्सनल इशू हो जाए, कुछ मानस की पर्सनल बात हो जाए भाई, इबके भाई दीपक गुलिया विक्की गल के बात हुई भाई, है मारा गल है भाई दीपक गुलिया का भाई साहब सारी हण का बोल चाल है भाई, सही डाल राम रमी है भाव है और भाई दीपक, हाँ ठीक भाई और भाई राज्य खुशी, हाँ भाई जमा सही बोल रहा चल रहा भाई, इब जरूरी नहीं है भाई मेरी तेरे गला बन दियो, तेरे गला उसकी भी बन दियो भाई, मंदा होया बात तो ये भाई वो उसका पर्सनल मैटर है भाई, लेकिन हमने भाई कदे भी विक्की एंटरटेनमेंट तो ना कोई शिकायत भाई ना हमने कदे को दिक्कत आई, अगर आई तो हमने विक्की भाई ने बताई, विक्की भाई ने वहाँ दूर भी करी भाई। तो एक भैया भी कार्तिक शायर ने आप सारी दे भाई शायरी लिख लिख कर दी और जो दो का भैया बात सच्चाई है भाई, कार्तिक शायर ने भाई शायरी लिख के ना तो दिन दे भाई, कार्तिक शायर भाई पहला आयुष भाई की शायरी मतलब याद कर लिया करता, तो भाई जो कार्तिक के पापा हैं उनका अगले आयुष भाई की बात हो जाए अगर भी, तो कार्तिक का इस चीज़ में इंटरेस्ट बढ़िया हुआ है कि मैं भी चाचा मतलब मैं शायरी बोल रहा हूँ, तो कार्तिक शो पर आ गया भाई, कार्तिक सिर्फ और सिर्फ आयुष की शायरी बोल रहा था, फिर मैंने मतलब आयुष भाई है मेरा भाई खास है मेरा जमा, मैंने उसकी कहा उसके पापा कार्तिक का पापा अगले मेरी बोल चाल होगी, महा भाई साहब कोई नहीं मेरी शायरी दे दे रहे छोटे ने, महा कार्तिक ने मेरी बोल दे रहेगा, फिर उस दिन तक कार्तिक मेरी और आयुष की शायरी बोलने लग गया, ना मामले इस बात तक को मतलब नू भाई क्यों बोल रहे हैं, खुद हम नू चाहो भाई कार्तिक मारी शायरी बोल रहे या कार्तिक ने हम भाई कह भी दे रहा बेटा इस पहले मैं लिख के दूंगा दो लाइन तू ये बोल, क्यों भाई वो बालक है और वो भाई दो लाइन जोड़नी सीख भी गया कि वो फायदेमंद चीज़ होगी, अरे कई बार क्या हुआ है मानसा गए जो कार्तिक ने किसी और की शायरी बोल दी किसी शायर की, तो शायर मेरा नाम को नहीं लिया मेरी शायरी बोल दिया है वाह, अरे वो बालक है भाई है वो बालक है, उसने बस वो आवे भाई अपने मनोरंजन खातर लोग जाने, कल दो तीन साल पछा वो अपने आप खुद बनाने लग जाएगा, अरे भाई जड़ती मन लग गए है बालक ने भाई साहब कहना भी नहीं चाहिए मेरी शायरी बोला के उम्र है 7 साल का हो सारा, तो बाम ने भाई बहुत बढ़िया लगा भाई करती ना, हाँ बाम हम लिख के भी दें यार बम हम कह भी करा भाई नू बोल बेटा इसने नू याद कर बालक है भाई सिखावाँगे आगे जा जब सीखेगा, तो मतलब ये बात सच्चा है कि आपकी राय उसकी वजह से चढ़ाई आज उसकी ना भाई मारी ओर तक जमा चढ़ाई कौन भाई मारी वजह तक, क्योंकि देख किताब सारे बालकों के दरी हो भाई लेकिन उसमें तो पढ़न कुछ ही जाना है छोटी उम्र में, जरूरी थोड़े था भाई 20 बालक बैठे थे 20 बालकों में 6 बालक पढ़ने जानेंगे भाई जो छोटी उम्र के हैं, लेकिन कार्तिक में टैलेंट था भाई वो उस चीज़ ने पकड़ा है वो सही बोला है, तो एक बात बता यार 10 शायरी हैं 10 शायरी मेरे भी याद कौन होती मेरी लिखी और खुद की मैं भूल जाऊँ उड़े 5 एक बार करूँ 5 एक बार, लेकिन कार्तिक भाई 6-7 शायरी एक बार मैं याद करके वो बोल दे ना, तो भाई उसका वो खुद का टैलेंट है भाई। भाई साहब पढ़ाई लिखाई में क्या कर रखे आपने? BA कर रखी भाई ग्रेजुएशन। और फैमिली में कौन कौन आपकी फैमिली में? मम्मी पापा और छोटा भाई और मैं और दो महेश। और शादी आपकी? शादी अभी कोई वो नहीं हुआ है, पहला मतलब सरकारी नौकरी चाहिए और सरकारी जॉब के बाद अभी वहाँ करवाएंगे भाई, वरना इतना कोई भी वहाँ नहीं होगा। इतने फेम आदमी सरकारी नौकरी का बात सब है भाई, देख फेम वाली बात याद देख भाई पेट सब का लाग रहा है, ये कोई भी अपनी छोरी दे होगा वो सोचा भाई माड़ा मानस करे की है वो कमावे की है उसका काम की है, देख तने मेरा भाई कलाकार ही है एक ते कला आके जा लिए मेरे भाई हरियाणा में 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल गणा था गणा और रह गई फिर चले गए, लेकिन बाद में क्या हुआ भाई जितना जुड़ेगा वो खाया जा सके कमाई का साधन कौन रहा मेरे भाई, लेकिन एक चाहे वो खुद का बिजनेस लगा ले तू या खुद का कोई और काम लगा ले अगर वो है ना मानस दो तो वो सारी उम्र उसके जरिए कमा के खास कहे, यो जो सौदा है यो भाई 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल नाम देगा रुपये भी देगा, लेकिन पूरी उम्र का नहीं है मेरे भाई कलाकारी पूरी उम्र की किससे की नहीं होती। दीपक मलिक जिन मेरा टेस्ट है दीपक मलिक है ये पूछा है को नहीं या कितनी कमाई करी अभी होंगे वो थोड़े थोड़े कर दो आज तरक्के में कर दो भैया, देख मेरी बात सुन मेरे भाई दीपक मलिक है वो वह चीज़ मायने नहीं रख दी मेरे भाई, इब कोई भी छोरी का बाबू है घर आए हैं भाई वो आवे हैं घर देखे हैं भाई कमाई देख रहे हैं भाई बड़ा के कमावा अगर वो उन्होंने देखा है भाई दीपक मलिक हाँ भाई दीपक मलिक है लोग जाने लेकिन जानन तो कुछ नहीं होता भाई मानस तो कमाई होनी चाहिए रुपया होना चाहिए, आज के टाइम पर भाई रुपया तो सब कुछ है, यह बात तेनाली है रुपया है
तो सर की मैं वहाँ वो कौन सा भाई की शायरी है, ऐसा है सब कुछ पैसा है, तो यह बात है उस्ताद रुपया होगा तो सब कुछ होगा। हाँ भाई नाम है भाई, सही है भाई, लोग जाने हैं, इज्जत है भाई, कोई गलत काम नहीं करते भाई, नशा पता नहीं करते भाई, समाज में अपना चार जने जाने बढ़िया इज्जत है, तो भाई इस चीज़ तो बड़ी खुशी मिला है भाई, कोई मैं गलत किसी कुछ कर नहीं रखा भाई। तो भाई धमकी धमकी भी आई भाई साहब? अरे भाई वो लोग धमकी कड़ाऊंगी मन धमकी कौन दे, अमर तो रखी मैं होगा जी मैं खुश है गाने से ना भाई, धमकी धमकी अपना सुतरा भाईचारा भाई सब गला सुतरी बोल चाल है राम रमी, जो मैं बढ़िया भाई अपना चुगरदरी आना मैं कौन से शहर में चले जा, पाँच दस भाई सुतरे जाने नाले हैं, और जो मैं सुतरी राम रमी है जो मैं भाई भाईचारा अपना रखा रहा किसी गला अपनी कोई लैग टैग नहीं। तो भाई साहब मैं दर्शकों के संदेश देना चाहोगे आप? भाई अंत में तो यो ही संदेश देना चाहूँगा भाई, देखो जिस भी फील्ड में हो आप वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, चाहे आप भाई साहब फौज खातर कर रहे हो, चाहे आप मतलब एग्ज़ाम क्लियर करने खातर कर रहे हो, या आप कलाकारी की लाइन में हो, या आपको बिजनेस अपना खुद का बिजनेस करने की ताक में हो, तो भाई जिस भी लाइन में हो अपना सौ का सौ दो और अपना जी जान लाओ भाई, नहीं तो चार साल दो साल पाँच साल कदे तो कामयाबी मिलेगी और बस सक्सेस हो गए आज के टाइम पर, बहुत से मानस की पूछ है जो अपनी ज़िंदगी में बस सक्सेस है। अगर बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब इतना कीमती टाइम देने खातर। ठीक है भाई कीमती तो उड़का हूँ भी, मैं तो पाँच छः बजे थी अपना 12 बजे 5 बजे सर्विस स्टेशन में बैठे थे, तो भाई तेरा बहुत बहुत धन्यवाद लाडले भाई जो इतनी दूर तक आया भाइयों का हाल चाल पूछने खातर, और भाई जो भी तेरा चैनल है हरियाणवी मीडिया ये जो भी तेरे दर्शक है इतने भाई, तो भाई सारे भाई का चैनल सब्सक्राइब करियो, भाई ने सपोर्ट करियो भाई, इतनी दूर तक आया बहुत बढ़िया लगा, और कोई चक्कर नहीं मित्र भाई ने ठंडा ठंडा प्याग भेजा, लव यू ऑल ऑफ यू, राम राम जी सारा। अगर आपने वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए और जय हरियाणा जय हरियाणवी।